नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाड़ा पे। हमने स्टार्ट किया हुआ था प्यारे बच्चों स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें से चार टाइप हमने कर लिए थे और लास्ट के जो दो टाइप रहते हैं हमारे वो रहेगी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एंड द फर्म्यूनिक कंडेंसेट। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट है प्लाज्मा फॉर्म का। प्लाज्मा फॉर्म में हम क्या करते थे, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई लेके जाते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा लो लेके जाएंगे और दोनों ही एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। एक्चुअल में क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फॉर्म, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फॉर्म एक सुपर फ्लूइड फेज होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, सुपर फ्लूइड फेज। एक्चुअल में जो बनता है वो किससे बनता है, बोसोनिक एटम से बनता है। किससे बनेगा प्यारे बच्चों, बोसोनिक एटम से। क्या होता है बोसोनिक एटम, अभी बताऊंगा मैं आपको। और किस कंडीशन पे बनता है, एट लो टेम्परेचर। और लो टेम्परेचर भी कितना प्यारे बच्चों, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम किसको कह सकते हैं, जीरो केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहेंगे, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस भी आप कह सकते हो। यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अगर लेके जाते हो आप किसी भी लो डेंसिटी गैस का टेम्परेचर, देन आपको बोसोनिक एटम मिलेंगे। बोसोनिक एटम से आपका क्या बनेगा, सुपर फ्लूइड बनेगा, जिसको आप क्या कह सकते हो, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फॉर्म कह सकते हो। अगर आपके पास बोसोनिक एटम्स की बजाय फर्म्यूनिक एटम्स बढ़ते हैं, एक्चुअल में क्या आता है, सेम कंडीशंस के ऊपर क्या बनते हैं, सेम कंडीशंस के ऊपर फर्म्यूनिक पार्टिकल्स बनते हैं, तो उससे आपकी कौन सी फॉर्म बनेगी, फर्म्यूनिक कंडेंसेट फॉर्म बनेगी। तो प्यारे बच्चों दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, फर्क सिर्फ इसमें है कि ये भी सुपर फ्लूइड फेज बनाएंगे, सिर्फ किसकी वजह से, फर्म्यूनिक पार्टिकल्स की वजह से। ये बनाएंगे बोसोनिक एटम्स की वजह से। एक्चुअल में बोसोनिक एटम्स जो होता है और फर्म्यूनिक पार्टिकल्स होते हैं, दोनों ही किस पे बनते हैं, जीरो केल्विन टेम्परेचर पे। मैंने अभी आपको बताया जीरो केल्विन कहीं, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस आप इसको कह सकते हो। अगर बात करें प्यारे बच्चों कि ये जो मतलब क्या होता है बोसोनिक और हमारे फर्म्यूनिक पार्टिकल्स का, जैसे हमने क्या लिया, एक कंटेनर ले लिया प्यारे बच्चों, इसी तरह से दूसरा कंटेनर लिया। एक कंटेनर में हम क्या देखते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स है वो कुछ इस तरह से है, जिसकी लो डेंसिटी होती है। क्या होती है, लो डेंसिटी गैस होती है। अगर उसको वेरी लो टेम्परेचर पे कूल करें, क्या करें इसके अंदर, वेरी लो टेम्परेचर पे, कहने का मतलब टेम्परेचर को क्या कर दें, डाउन कर दें। टेम्परेचर को क्या कर दें प्यारे बच्चों, डाउन कर दें, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने से अगर हमारे यही पार्टिकल, आपको पता है टेम्परेचर डिक्रीज करने से एक दूसरे से पार्टिकल्स क्या आएंगे, नियर आएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट अगर करते हैं, अट्रैक्ट करके क्या करेंगे, ये कुछ इस तरह से बना लेते हैं, अच्छे से नोट कर लेंगे, कुछ इस तरह से बना लेते हैं। यानी कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, इसके अंदर क्लंपिंग कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे प्यारे बच्चों, क्लंपिंग कर जाएंगे। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर इसको हम बोलेंगे बोसोन फॉर्म। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, बोसोन फॉर्म बोलेंगे इसके अंदर। ये जो एटम्स है इसके अंदर सुपर एटम बना लेते हैं, यानी कि सभी के सभी इकट्ठा होकर के सभी के सभी एक दूसरे से अट्रैक्ट करके एक सुपर एटम्स बना लेते हैं। मैं यहां लिख देता हूं इसके अंदर, इट फॉर्म द सुपर एटम। ये क्या बना लेते हैं इसके अंदर, एक सुपर एटम्स बना लेते हैं इसके अंदर। तो सुपर एटम जो होता है, जिसको आप बोसोनिक एटम्स भी कह सकते हो। क्लियर है प्यारे बच्चों, अगर यही पार्टिकल्स टेम्परेचर डिक्रीज करने से एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें, क्लंपिंग शो ना करें इसके अंदर, और क्या बनाए इसके अंदर, यहाँ पे कुछ इस तरह से बना दें, यानी कि कुछ इस तरह से ये एक शो करें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्म्यूनिक फॉर्म बोलेंगे, फर्म्यूनिक एटम्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको, फर्म्यूनिक एटम्स बोलेंगे। तो अगर ये पार्टिकल्स मिलकर के सुपर फ्लूइड फेज कन्वर्ट करते हैं तो बोलते हैं फर्म्यूनिक कंडेंसेट, और अगर ये वाले जो बोसोनिक एटम्स मिलकर के सुपर फ्लूइड फेज बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एक्चुअली दोनों ही किसके ऊपर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर एक्चुअल में अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो ये वाली जो फॉर्म थी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फॉर्म, तो इसको जो था सबसे पहले 1920 के अंदर एक इंडियन फिजिस्ट होता था स्तेंदर दास बोस, स्तेंदर दास बोस जो एक इंडियन फिजिस्ट होता था, उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मिलकर के, एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मिलकर के इस फेज को, या यू कहें इस स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कवर किया, इसलिए इसका जो नाम पड़ जाता है बोस आइंस्टाइन
कंडेंसेट, क्या बन जाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक्चुअली में अगर हम फर्म्यूनिक फॉर्म की बात करें प्यारे बच्चों, तो फर्म्यूनिक फॉर्म की जो डिस्कवरी थी जो सबसे पहले वो की गई थी 2003 के अंदर, जो किसने किया था, डी एस जीन के थ्रू, जो एक लेडीज होती थी डी एस जीन, उसने अपनी टीम के साथ इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, जिसको हम सिक्स्थ फॉर्म ऑफ मैटर भी बोलते हैं या सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं इसके अंदर, सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर है मेरे बच्चों? इसी तरह से अगर हम बात करें यहां पे बोजोन्स के अंदर, यानी कि मैंने दो चीजें बताई है वो लिखवा भी देता हूं कि ये वाले पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और क्लंपिंग शो करते हैं, ये वाले अट्रैक्ट नहीं करते और क्लंपिंग शो नहीं करते। तो यहां पे जो है इसके अंदर ये लिख देता हूं मैं, इट शोज द क्लंपिंग, ये क्लंपिंग शो करते, क्लंपिंग मीन्स इकट्ठा होकर के क्या बना देते हैं, सुपर एटम्स बना देते हैं, क्या बना देते हैं, सुपर एटम्स बना देते हैं। इट नोट शोज द क्लंपिंग, इट नोट शोज द क्लंपिंग, ये जो है क्लंपिंग शो नहीं करते, क्लंपिंग शो नहीं करते। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, ये क्लंपिंग शो करते हैं, यू कहेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो इसके अंदर, इट नॉट अट्रैक्ट विद इच अदर, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इट अट्रैक्ट अट्रैक्ट विद इच अदर, विद इच अदर, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इट डू नॉट अट्रैक्ट विद इच अदर, Do not attract, attract with each other. ये एक दूसरे को attract नहीं करेंगे। जो हमारे fermionic atoms होते हैं वो attract नहीं करेंगे, जो हमारे bosonic atoms होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, attract करेंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, attract करेंगे इसके अंदर। अगर इसी तरह से हम बात करें, ये जो होता है इसके अंदर जो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहां पे, इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते हैं लिक्विड, लिक्विड हीलियम्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लिक्विड हीलियम एक्चुअल में किस तरह का काम करता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की तरह काम कर सकता है। और यहां पे अगर बात करें फर्म्योनिक कंडेंसेट के अंदर, वो ले सकते हैं प्यारे बच्चों, वो ले सकते हैं हम इसके अंदर पोटेशियम, पोटेशियम 40 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, पोटेशियम 40 जो एग्जाम्पल काम करेगा वो फर्म्योनिक कंडेंसेट का काम करेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने 6 स्टेट की है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड द फर्म्योनिक कंडेंसेट। तो प्यारे बच्चों अच्छे से करेंगे, ये हमारी फिजिकल स्टेट थी मैटर की, नेक्स्ट टाइम जो हम करेंगे केमिकल स्टेट ऑफ मैटर, तब तक के लिए थैंक यू।